इसका अर्थ जो है, आप लोग ध्यान से सुनिए, इसका अर्थ होता है कि ग्रह के समस्त कार्यों को इस प्रकार योजना बना करके करना जिससे वो कार्य सुगमता से हो सके। ग्रह के समस्त कार्य, क्योंकि आपको पता है घर में बहुत सारे कार्य होते हैं, तो घर के समस्त कार्य एक योजना बना करके, योजना ढंग तरीके से योजना बना करके, ठीक है, फिर उस कार्य को करना या सुचारू रूप से संपन्न करना ग्रह कार्य व्यवस्था कहलाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी योजना बनानी चाहिए कि किस कार्य को किस तरह से करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई गृहिणी कार्य कर रही है, तो मान लीजिए यदि वो योजना ढंग तरीके से करती है तो उसका जो कार्य होगा वो शुरू से लेकर के लास्ट तक सफल हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो बताने जा रहे हैं आपको वो है ग्रह कार्य व्यवस्था का अर्थ। ग्रह कार्य व्यवस्था का अर्थ यह है कि, ठीक है, ग्रह कार्य व्यवस्था का अर्थ यह है कि ग्रह के
किस प्रकार योजना योजना बनाकर, ठीक है, ग्रह कार्य व्यवस्था का अर्थ यह है कि ग्रह के समस्त कार्यों को इस प्रकार योजना बनाकर किया जाए जिससे ग्रह के जिससे सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाए, जिससे सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाए, तथा परिवार के धन समय वा श्रम की बचत हो जाए, श्रम की बचत हो जाए। ग्रह कार्य व्यवस्था का अर्थ यह है कि ग्रह के समस्त कार्यों को इस प्रकार योजना बनाकर किया जाए जिससे सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाए तथा परिवार के धन समय व श्रम की बचत हो जाए। क्योंकि किसी भी कार्य को यदि योजना ढंग तरीके से करते हैं तो उसमें जो है हमें धन समय और श्रम की बचत हो जाए, क्योंकि यदि हमने सही तरीके से किसी कार्य को नहीं दिया है तो उसमें हमारा समय भी अधिक लगेगा, और जब समय अधिक लगेगा तो हमारा धन भी खर्च होगा, और धन खर्च होगा तो हमारा श्रम भी अधिक लगेगा। क्योंकि हम मान लीजिए हम कोई ऐसा कार्य करें और उसका यदि हम पहले से बैकग्राउंड नहीं बना के रखा है या उसकी हम कोई योजना नहीं बनाए हैं तो हमारा श्रम ही व्यर्थ जाएगा। श्रम के साथ साथ समय जो भी आपने उस कार्य में करने में जो अपना श्रम लगाया तो समय भी लगेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि आपने जो मेहनत की बिना समय के, आपने 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे जो भी मेहनत की वो भी बेकार जाएगी, और जो आपने कार्य किया ठीक है तो उसमें जो धन आपने लगा रखा है वो भी व्यर्थ जाएगा। तो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए हमें पहले योजना बनानी चाहिए, और जब हमारी योजना बन जाएगी तो उस कार्य को करने में हमें कोई भी बाधा नहीं हमारे मार्ग में आएगी। तो यह हमें ध्यान रखना है पॉइंट्स कि कार्य व्यवस्था का अर्थ, ग्रह कार्य व्यवस्था का अर्थ है कि ग्रह के समस्त कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए हमें एक योजना बनानी है, और योजना बना करके जब हम करेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमारा श्रम भी बचेगा, धन भी और समय, ये तीनों चीजें जो है हमारी बच जाएंगी और वो कार्य अच्छे से सफलतापूर्वक हो भी जाएगा। ये था ग्रह कार्य व्यवस्था का अर्थ। अब है ग्रह कार्य का विभाजन। ग्रह
कार्य को करते हैं, ठीक है, तो उसका विभाजन भी होना बहुत जरूरी। ये तो है नहीं कि हम उसका विभाजन किए बिना ही कर लेते हैं। तो ग्रह कार्य को छह पार्टों में, ग्रह कार्य का जो विभाजन है, ठीक है, ग्रह कार्यों का जो विभाजन है, ठीक है, उसे छह पार्टों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ग्रह कार्यों को छह पार्टों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, वो छह कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट है दैनिक, इनके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक अभी बताएंगे, दैनिक कार्य। दूसरा पॉइंट है साप्ताहिक, साप्ताहिक कार्य। तीसरा पॉइंट है मासिक, मासिक कार्य। चौथा पॉइंट है वार्षिक कार्य। पांचवा पॉइंट है जो आपका वो है सामयिक कार्य। ये जो है ग्रह कार्य जो है आपका, इसे छह पार्टों में डिवाइड किया गया है, दैनिक कार्य, साप्ताहिक कार्य, मासिक कार्य, वार्षिक कार्य, सामयिक कार्य और आकस्मिक कार्य। पहला पॉइंट जो है आपका वो है दैनिक कार्य, ठीक है, इसका जो पहला पॉइंट है वो है दैनिक। दैनिक कार्य जो है उसमें क्या होता है, जो गृहिणी होती है, ठीक है, जो गृहिणियां हैं उन्हें प्रतिदिन प्रतिदिन सो करके जब उठती हैं तो उनका कार्य स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जिसमें घर की सफाई है, नाश्ते की व्यवस्था करना, बच्चों के जो कपड़े हैं उनको धुलना, भोजन कराना, कपड़े धोना आदि, ये जो है कार्य, ये दैनिक कार्यों से संबंधित है, ठीक है। दैनिक कार्यों में कौन कौन से कार्य हैं? गृहिणी जब सुबह सो करके उठती है तो सबसे पहले घर की सफाई करती है, फिर उसके बाद नाश्ता तैयार करती है, बच्चों को नहलाना धुल और उनके कपड़े धोना, फिर भोजन बनाना करके फिर सबको भोजन खिलाना, ठीक है, कपड़े धोना और वो सारे कार्य जो है ये दैनिक कार्य होते हैं। ये तो प्रतिदिन ही करना होता है, ठीक है, कि प्रतिदिन जो है वो करके घर की सफाई करना और उसके साथ साथ नाश्ता बनाना, क्योंकि बिना भोजन के हम जीवित नहीं रह सकते हैं, तो इसके लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, तो हमें प्रतिदिन ही लेना होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जब एनर्जी नहीं होगी तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते। जैसे आप लोग पढ़ने जब आते हैं तो मम्मी आपको खिला के भी भेजती हैं और साथ साथ जो है आपके टिफिन का भी बहुत खास ध्यान रखती हैं, टिफिन में आपके लिए लंच तैयार करके, जो दोपहर में आपका इंटरवल होता है उसमें जो है लंच पैक कर देती हैं, ठीक है, तो आप लोग जो है आप टाइम में वो भोजन करते हैं, तो वो क्यों खाते हो? इसलिए खाते हो क्योंकि दोपहर तक जो है आपके अंदर जो
भोजन की एनर्जी थी वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि हम जितना अधिक बोलेंगे जितना अधिक श्रम करेंगे तो हमारा जो एनर्जी है वो धीरे धीरे हमारे शरीर की एनर्जी घटती रहती है। जैसे मान लीजिए कोई बाइक है, बाइक ले लो या फिर बस ट्रक ले लो, इसमें जो है एक होता है फ्यूल टैंक, ईंधन टैंक जिसको कहते हैं, तो उसमें जो है उसमें भरवा दिया जाता है 200 लीटर 400 लीटर 500 लीटर ऐसे करके होती है उसकी एक कैपेसिटी उस टैंक की, उसमें भरवा दिया जाता है। फिर उसमें मीटर लगे होते हैं कि एक किलोमीटर में कितने लीटर जो है तेल खर्च हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके वो धीरे धीरे चलती जाती है, हजारों किलोमीटर 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर, तो जब जाती है तो उसका जो पेट्रोल होता है या डीजल जो होता है वो धीरे धीरे जाकर के समाप्त हो जाता है। क्यों समाप्त हो जाता है? क्योंकि उस वाहन को चलाने में वो जो फ्यूल डाला गया था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया, जो समाप्त जहाँ पर समाप्त हो जाएगा वहीं पर वो जो है गाड़ी रुक जाएगी, फिर वो आगे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि उसके अंदर फ्यूल यानी ईंधन नहीं बचा जिससे जो है वो आगे नहीं जा सकती। ऐसे हमारा भी शरीर है, हम यदि भोजन नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में एनर्जी नहीं होगी। अब जब एनर्जी नहीं होगी तो हम किसी भी कार्य को सुगमतापूर्वक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उससे तुलना तो कर सकते हैं, वह मतलब वाहनों से तुलना तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा शरीर बिल्कुल वाहनों जैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो फ्यूल समाप्त होने के बाद वो आगे बिल्कुल नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे में ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे में जब तक सांसें चलती हैं तब तक हम कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको चलते रहना है और हमारे शरीर में इतनी तो एनर्जी बाकी ही रहती है कि हम भोजन के बिना भी कर सकते हैं। लेकिन भोजन बहुत जरूरी, क्योंकि शरीर को चलाने के लिए या किसी कार्य को करने के लिए हमें भोजन की बहुत ज़रूरत है, इसलिए हमें पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, ठीक है। तो ये था दैनिक कार्य, ठीक है, जो गृहिणी है उनका दैनिक कार्य जो है हमने आपको बताया कौन कौन सा होता है, सुबह उठ करके घर की सफाई करना, आपके लिए नाश्ता तैयार करना और बच्चों को नहलाना, कपड़े धोना, भोजन बनाना, भोजन आपको खिलाना आदि कार्य जो है ये दैनिक कार्यों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका साप्ताहिक कार्य, दूसरा पॉइंट है साप्ताहिक कार्य। साप्ताहिक कार्य, साप्ताहिक कार्य से आप यह है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हम प्रत्येक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से ऐसे कार्य होते हैं जो हम प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए हम एक सूची बना लेते हैं, जैसे गृहिणियाँ जो हैं आप घर में, तो वो एक सूची बना लेते हैं कि हमको सोमवार में क्या करना है, मंगलवार में क्या करना है, बुधवार में क्या करना है, बृहस्पतिवार में क्या करना है, शुक्रवार में, शनिवार में, फिर रविवार में, क्योंकि आपको पता है 7 दिन होते हैं सप्ताह में, तो उनकी एक सूची बना लेती है, तो वो सूची के अनुसार कार्य करते हैं। क्योंकि दैनिक कार्य हमने आपको बता ही दिया कि इतने कार्य तो रोज ही करने हैं, गृहिणी को इतने कार्य तो रोज ही करने हैं, इसके अतिरिक्त कौन कौन से कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें सप्ताह में एक बार ही किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि घर में बहुत सारी चीजें पड़ी होती हैं, ठीक है, फर्नीचर है, ठीक है, और बिस्तर है, तो इन्हें हम प्रतिदिन, जैसे बिस्तर जो है आपके घर में वो प्रतिदिन नहीं धोया जा सकता है या प्रतिदिन उसको हम धूप नहीं दिखा सकते हैं, तो ऐसे स्थिति में जो है ये साप्ताहिक कार्य होते हैं। जैसे बाल धोना, स्त्रियां जो है बाल सप्ताह में एक बार धोती हैं, ठीक है, तो ये सब कार्य जो है साप्ताहिक कार्य होते हैं, और सामान की खरीदारी भी करती है, ठीक है, तो सफाई व्यवस्था ठीक करना, कमरों की धुलाई, बालों को धोना, सामान की खरीदारी आदि का समय थे, प्रति सप्ताह नाश्ते आदि की वस्तुएं विशेष व्यंजन बनाने पर पड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गए हमारे साप्ताहिक कार्य, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट जो है वो है आपका मासिक कार्य, तीसरा पॉइंट है मासिक कार्य। मासिक कार्य में कौन कौन
भर में एक बार करना होता है, ठीक है। जैसे बाजार में अनाज, मसाले, खाद सामग्री मंगवाना, उन्हें साफ करके डिब्बों आदि में भर करके रखना, दूध आदि का हिसाब करना, नौकर महरी को वेतन देना आदि कार्य जो है, ये जो है साप्ताहिक कार्यों की सूची जो है, मतलब ये कार्य साप्ताहिक सूची से अलग रहते हैं, ठीक है। इन्हें आप साप्ताहिक कार्यों में नहीं रख सकते हैं। तो रोज रोज हम बाजार भी नहीं जा सकते, ठीक है। तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हम मासिक कार्यों के अंतर्गत रखते हैं। हमने आपको जैसे बताया दूध वाले का हिसाब करना, तो आप रोज रोज उसको तो पैसे देंगे नहीं, उसे जो है एक महीने बाद जो है उसको पैसे देना होता है। घर में जो है झाड़ू पोछा करने के लिए आती हैं, उनको भी महीने बाद ही आपको वेतन जो है उसको पैसे देना होता है। वस्त्र खरीदने होते तो आपको पता है हर रोज तो हम वस्त्र खरीदते नहीं हैं, महीने बाद या दो महीने बाद जो हम खरीद लेते हैं, ठीक है। और फर्नीचर के रंग रंगाई भी जो है मतलब हम प्रतिदिन नहीं करते हैं, महीने में दो महीने बाद या तीन महीने बाद भी करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मतलब इस तरह के जो कार्य हैं, ठीक है, ये हम साप्ताहिक कार्यों में नहीं रख सकते, इनको हम मासिक, ठीक है, और मासिक कार्यों में ये रख सकते हैं, ठीक है। फिर है चौथा पॉइंट वार्षिक कार्य। वार्षिक कार्य जिन कार्यों को प्रति सप्ताह या प्रति मास नहीं किया जा सकता है उन्हें हम वार्षिक कार्यों में सम्मिलित करते हैं, क्योंकि बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम ना तो सप्ताह कर सकते हैं ना महीने में कर सकते हैं, उन्हें जो है हम वार्षिक कार्यों में रखेंगे। जैसे व्यर्थ की वस्तुओं को घर से हटाना, आपको पता है कि हम हर वर्ष दीपावली में अपने घर की साफ सफाई करते हैं, तो दीपावली वर्ष में एक बार तो आती है, रोज रोज तो आती नहीं, वर्ष में एक बार ही दीपावली आती है, तो दीपावली के समय हम अपने घर की पूर्ण रूप से साफ सफाई करते हैं, घर को रंगते हैं, डेंट पेंट करते हैं उसको, और उसके बाद उसमें जो व्यर्थ की वस्तुएं पड़ी होती हैं उन्हें हम घर से बाहर निकाल देते हैं और उन्हें हम कबाड़ी के हाथों बेच देते हैं। जो चीज़ व्यर्थ की होती है उसे हम अपने घर में नहीं रखते, क्योंकि आपको पता है हमारा घर जो है साफ होगा, सुथरा होगा, तो वहाँ पर जो है ऐसे जैसे मच्छर हैं, कॉकरोच हैं, ये सब दर्द की चीज़ों में बैठे रहते हैं। तो यदि हमारे घर में ऐसी चीज़ें नहीं हैं तो ये जो छोटे छोटे जीव हैं ये हमारे घर से बाहर रहते हैं। और यदि घर में बहुत सारा कबाड़ लगा हुआ है तो उसे मतलब कीड़े मकोड़े या करके उसमें बैठ जाते हैं जो कभी भी हमें हानि पहुँचा सकते हैं। तो ये जो है हमें वर्ष में एक बार साफ करके हटा देना चाहिए, जिससे जो हमारा घर साफ और सुंदर भी लगने लगता है, ठीक है। तो ये है हमारा वार्षिक कार्यों में कौन कौन से हैं, रंगाई करना, घर की मरम्मत करवाना, व्यर्थ की वस्तुओं को हटा देना, जैसे मैं आपको बताया ना घर की जब सफाई करेंगे तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जिन्हें हमें जरूरत नहीं रहती है और उसे हम कबाड़ी के हाथों बेच देते हैं। इसके अतिरिक्त मुरब्बा बनाना, पापड़, चिप्स, ठीक, वस्त्र खरीदना आज वार्षिक बिलों का, जैसे वाटर टैक्स, हाउस टैक्स आदि जो है ये कार्य वार्षिक कार्य होते हैं। गृहिणी जो है इन कार्यों को पूर्व योजना बना करके कर लेती है कि वर्ष में कौन कौन सी चीज़ें जो है हमें हटाना है, कौन कौन सी चीज़ें हमारे घर में ला करके सजाना है, ठीक है। तो ये थे हमारे वार्षिक कार्य, ठीक है। अब हम आपको पांचवा पॉइंट जो बताने जा रहे हैं वो है सामयिक कार्य। पांचवा पॉइंट जो है वो है सामयिक कार्य। सामयिक कार्य का अर्थ क्या होता है ये पहले सुन लीजिए। सामयिक कार्य ये वो होता है जो वर्ष में समय समय पर करने पड़ते हैं मौसम के अनुसार में वर्ष
समय समय पर कभी भी, ना साप्ताहिक ना मासिक, ठीक, यानी वर्ष में कभी भी, सामयिक का मतलब कभी भी किसी भी समय, ठीक है। हमें जो कार्य करने होते हैं वो सामयिक कार्य होते हैं। सामयिक कार्य में कौन कौन से होते हैं, जैसे आपको पता है मौसम के अनुसार कपड़े खरीदना, ठीक है, ऊन के वस्त्र बनाना, अचार मुरब्बे बनाना, फल सब्जी सुखा कर रखना, ऊनी वस्त्रों की सुरक्षा, विभिन्न त्योहार व जन्म दिवस आदि की व्यवस्था, इन कार्यों को करने के लिए गृहिणी को अपने दैनिक व साप्ताहिक कार्यों में से ही समय निकालना पड़ता है। अतः जब भी इन कार्यों को करना होता है तो दैनिक कार्यों में को सीमित किया जा सकता है तथा घर के अन्य सदस्यों के विशेष सहयोग लेकर उनको पूरा किया जाता है। यह समय समय पर होता है, इसलिए उनको सामयिक कहा जाता है। क्योंकि मान लीजिए किसी का जन्मदिन है, ठीक है, तो हमें उसके जन्मदिन की तैयारी करना है, मुरब्बा बना करके रखना, अचार बना करके रखना है, या फिर हमें ऊनी वस्त्र बना करके रखने हैं। तो ये समय समय पर हम अपने साप्ताहिक और दैनिक कार्यों में से जो है समय निकाल करके हर गृहिणी को करना होता है, ठीक। ये था हमारा सामयिक। अब है लास्ट पॉइंट, छठा पॉइंट, आकस्मिक कार्य। छठा पॉइंट जो है हमारा वो है आकस्मिक। आकस्मिक कार्य, आकस्मिक कार्य वे कार्य होते हैं जो कभी अचानक करने पड़ जाते हैं। आकस्मिक का मतलब होता है अचानक, ठीक है, अचानक बिना कोई जानकारी। आप अचानक का मतलब ही होता यही होता है कि जैसे आप जा रहे हैं और अचानक कोई पीछे से आपको धक्का दे देता है, तो कोई वो बता के थोड़ी ना आपको धक्का देगा, अचानक, ठीक है। तो आकस्मिक कार्य का मतलब होता है बिना कोई जानकारी के ऐसे कार्य, ठीक है, जैसे शादी विवाह, जन्म मरण के कार्य, अतिथि सत्कार, मित्र व संबंधी के यहाँ जाना, स्थानांतरण का या मकान बदलना, बीमार व्यक्तियों की सेवा तथा परिचर्या करना आदि कार्य जो है ये आपके आकस्मिक कार्यों से संबंधित होते हैं, ठीक है। आपको हमने आज जो है ग्रह कार्य व्यवस्था के अंतर्गत हमने आपको ग्रह कार्य व्यवस्था का अर्थ बताया और ग्रह कार्य का विभाजन भी बताया। ग्रह विभाजन के अंतर्गत हमने आपको 6 पॉइंट बताए हैं, दैनिक कार्य, साप्ताहिक कार्य, मासिक कार्य, वार्षिक कार्य, सामयिक कार्य और आकस्मिक कार्य, और इनके अंतर्गत भी हमने आपको बहुत सी जानकारी दी है। इसी पाठ के जो कुछ अन्य प्रश्न जो है जो आगे के मतलब इसी में जो से छूट गए हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।